हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग सिंस वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द पास्ट ईयर पेपर। नाउ ये डिस्कशन तो होगा ही पास्ट ईयर पेपर्स का, साथ में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, राइट? आपके इंस्टीट्यूट के साइट में भी दे हैव गिवन सजेस्टेड आंसर्स, बट एक चीज़ को देखना, एक चीज़ को समझाना और एक चीज़ को करवाने में बहुत फ़र्क होता है, राइट? सिंपली टेलिंग यू, जैसे आप लोगों के बुक में देखिए मई 2018 का पेपर है, राइट? आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? लेट अस नॉट गो इनटू द फैक्ट्स कि इस पेपर में हमारे स्टडी मटेरियल से या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कितना परसेंटेज कवरेज था। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने जो करवाया उसका 100% आया, उससे आपका पेट नहीं भरने वाला। आपका पेट तब भरेगा जब मैं आपको ये पूरा पेपर क्लास में सॉल्व करवाऊँ। यही नहीं, मैं आपको और भी पास्ट ईयर पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तब जाके आपकी भूख मिटेगी। सिंपली टेलिंग यू दैट दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस नंबर पेज ऑफ माई मैट, दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस नंबर पेज ऑफ माई मैट, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट कैसे भरेगा? जब मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊँ, तब आपको अपने अंदर से आएगा कि हाँ, ये सम तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है या मैंने किया है, राइट? तो मैं आपको पूरा पेपर, मई 2018 का आपके बुक में है, ये पूरा पेपर मैं आपको करवाऊंगा आज, ठीक है? खाली देखने से सर पर्पस सर नहीं होगा, हम लोग लाइन बाय लाइन सारा ही क्वेश्चन कवर करेंगे, टॉप टू बॉटम, राइट? सो ऑल क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग, राइट? देखते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने में कितना दिन, कितना समय लगता है। हो सकता है इट माइट टेक 2 क्लासेस, इट माइट टेक 3 क्लासेस, तो जितने भी लगेंगे हम आपको देंगे। आइए, सो लेट अस स्टार्ट। आप लोग अपने पेपर में देख सकते हैं क्या लिखा है। आंसर टू क्वेश्चंस आर टू गिवन ओनली इन इंग्लिश, हिंदी मीडियम का तो हिंदी में देगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और कोई भी 5 क्वेश्चन में से आपको 4 करना है, राइट? अटेम्प्ट एनी 4 out of the remaining 5 क्वेश्चन। इन केस एनी कैंडिडेट आंसर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑब्लिक सब क्वेश्चन ओवर एंड अबव द नंबर्स रिक्वायर्ड, देन ओनली द रिक्विजिट नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट आंसर्ड इन द आंसर बुक शैल बी वैल्यूड एंड सब्सिक्वेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्ड विल बी इग्नोर्ड, राइट? आपने गलती से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो जो पहले अटेम्प्ट किया है वो पहले कंसिडर किया जाएगा, राइट? आइए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंसर इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1A। ये कोना में 1A ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, राइट? यू हैव टू राइट लाइक दिस पूरा प्रॉपरली, ठीक है? आइए, एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट स्काई ब्लू, राइट? एनुअल डिमांड ऑफ स्काई ब्लू, राइट, 12,000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, समझ में आ रहा है ये ईओक्यू का सम है, साफ हम लोग को समझ में आ रहा है, राइट? तो इस टाइप का सम्स में यूजुअली क्या बोलता है, हम लोगों को ईओक्यू निकालने बोलेगा और कोई सप्लायर ऑफर कुछ देगा डिस्काउंट वगैरह तो उसको इवैल्यूएट करने बोलेगा। तो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें स्काई ब्लू बोल के कॉम्पोनेंट है, उसका एनुअल डिमांड, तो ये मेरे लिए एनुअल कंजम्पशन हो गया, समझ में आ रहा है? खपत, रॉ मेटल का डिमांड, मतलब मेरे लिए कंजम्पशन टू प्रोड्यूस दैट स्पेशल प्रोडक्ट, इतना रॉ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है 1800, राइट? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है 1800। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मेटल दिया है 640। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम निकालते हैं हम लोग, उसके लिए कैरिंग कॉस्ट पर एनम का रेट दिया 18.75, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ स्काई ब्लू प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 3000 कंपोनेंट, मतलब 12,000, राइट? 12,000 पूरे साल में चाहिए, और 3,000 करके अगर हर बार खरीदेंगे, मतलब साल में अगर हम 4 ऑर्डर करेंगे तब सप्लायर हमें 5% का डिस्काउंट देगा। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कैलकुलेट ईओक्यू,
एंड एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड. अगर टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर लोअर आएगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट. आइए, सो इसमें हम लोग पहला नंबर वन ईओक्यू दैट इज 2AO by CH. बहुत जन CH लिखता है, बहुत जन CI लिखता है, राइट. आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिल गया. ठीक है, आ जाइए यहाँ पे. हम लोग फटाफट लिख लेंगे वेयर ए इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सी एच इज कैरिंग कॉस्ट या स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, पी यू पी ए विच इज 640 का 18.75%. निकाल लीजिए कितना आ रहा है जल्दी से एक बार. 640 का 18.75% PUPA. अब इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे 2 × 12,000, राइट, इंटू 1800, डिवाइडेड बाई 120. सॉल्व करिए आप लोग. आप खुद सॉल्व करेंगे, आपको खुद को लगना चाहिए कि हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया. मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी. 600 यूनिट्स. इज दैट फाइन. अभी हम लोगों ने अटेंड क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर है ना, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर. तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालते हैं टोटल परचेज प्राइस. टोटल परचेज प्राइस यहां पे आएगा 12,000 × 640, राइट. ये रुपीस में है, ये भी रुपीस में है, तो 76,80,000 है ना. यहाँ पे आएगा 12,000 × 640 में अगर मेरे को 5% का डिस्काउंट मिलता है तो 32 रुपीज का डिस्काउंट होता है, तो 608 रुपया करके लगेगा मेरा. दैट इज कमिंग टू हाउ मच, फटाफट करिए, 72,96,000. इज दैट फाइन एवरीवन. समझ में आ रहा है आप लोगों को. अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट. नाउ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओ.
तो 12,000 बाई 600, तो 20 ऑर्डर, 1800 करके कितना, 36,000। यहाँ पे 12,000 बाई 3,000 इंटू 1800 कितना, 6,400। ठीक है, कितना आएगा ये, 7,200। ओके, 7,200 टोटल होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, क्यू बाई टू इंटू सी एच। आज हमने जितना के लिए भी ऑर्डर किया, बट होल्डिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। तो 600 बाई 3 इंटू 120, 36,000 आएगा, राइट। नाउ सिंस यहाँ पे परचेज प्राइस कम हो गया है, तो उसका 18.75% करेंगे, राइट, यस और नो। तो 3,000 बाई 2 इंटू, जैसे परचेज प्राइस में 5% का डिस्काउंट है, तो होल्डिंग कॉस्ट भी मेरा 5% कम आएगा, सीधी सी बात है ना। तो 120 में 5% कम होना कितना होता है, ये 6 रुपया, तो 114 रुपया आ जाएगा, राइट। बताइए टोटल कॉस्ट कितना, 77,52,000। ठीक है, सेवेंटी फोर टू हंड्रेड। ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर ऑफर इज इक्वल्स टू, कितने का फायदा हो रहा है हम लोगों को, 1752 माइनस 74 टू हंड्रेड, 277,800, राइट। इतना रुपए का हम लोगों को फायदा हो रहा है ना, फायदा तो हो रहा है, ठीक है, सप्लायर ऑफर डिस्काउंट के कारण हो रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे था 300, यहाँ पे हो गया 1500। अगर ऑप्सोलेसेंस का डर है ना, राइट, श्रिंकेज, ऑप्सोलेसेंस, पेरिशेबल टाइप का अगर रॉ मटेरियल है, सो इन दैट केस थोड़ा देख के, दो यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ, राइट, सब्जेक्ट टू ऑब्सोलेसेंस, श्रिंकेज, ये सब देख के, सिंस एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग इज इंक्रीजिंग, सिंस एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग इज इंक्रीजिंग, इज दैट फाइन। सो ईओक्यू में सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट कम आता है, बट सप्लायर अगर डिस्काउंट देता है तो दैट डिस्काउंट ऑफसेट्स द इंक्रीज इन योर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं, तो 5 नंबर के लिए काफी है, फटाफट हम लोग डिस्कस किया, तो बोल के इट टू कस टाइम, अदरवाइज इजीली हो जाएगा ये, अगर आप बिना डिस्कशन करके करेंगे तो यू कैन इजीली कंप्लीट इट। नेक्स्ट वी हैव, क्या कर रहा है भाई,
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B. Worker takes 15 hours to complete a piece of work for which time allowed is 20 hours. ठीक है, टी 15 घंटा है, ए हमारा 20 घंटा है और आवरली रेट है 5. ठीक है, ये गिवन है. अभी अपने को बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालो दोनों वेजेस में, रोअर और हेल्स में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो पहले वेजेस निकालेंगे अंडर हालसे प्लान. फटाफट निकालिए, टी इन टू आर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस टी इन टू आर, 15 × 5 प्लस हाफ ऑफ 20 माइनस 15 × 5. सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. 75, तो ये आएगा 87.50. तो वैसे ही वेजेस अंडर रोवन प्लान, टी इन टू आर प्लस टी बाई ए इन टू ए माइनस टी इन टू आर, 15 × 5 तो गारंटीड हो गया, प्लस 15/20 इन टू 20 माइनस 15 × 5. कितना आ रहा है? 93.75. डन. अब हमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों प्लान में निकालना है. क्वेश्चन में पहला कौन सा बोला है? क्वेश्चन में पहला बोला है रोवन, दूसरा बोला है हेल्से. वन टू, थोड़ा क्विक होना पड़ेगा, एग्जाम पेपर दे रहे हैं हम लोग. रॉ मेटेरियल, फैक्ट्री कॉस्ट में आता है मटेरियल लेबर ओवरहेड. कोई भी मेथड हो ये तो वही रहेगा. लेबर कॉस्ट ऑलरेडी आ चुका है, रोवन में आया 93.75, 87.50. ओवरहेड कितना बोला है? राइट, आप चाहें तो आप प्राइम कॉस्ट का ब्रेकअप भी दिखा सकते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. अपने को सीधा फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है. ओवरहेड इज हाउ मच? 100% ऑफ वेजेस. दिखाना है, दिखा दीजिए आप. देखो मैं एक स्टूडेंट की तरह एग्जाम लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं काफ़ी जगह मैं मिस कर जाऊँ बहुत सारा चीज. तो 143.75, 137.50 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ दिस 93.75, 87.50. ठीक है, तो हमारा आ गया
फैक्ट्री कॉस्ट, टू 37.50, 225. दोनों प्लान में वेजेस निकाल के वी हैव डन इट. Is that fine? Aye. Answer to question number 1C. क्या क्वेश्चन है? अच्छा, दो फाइनेंशियल ईयर का सेल्स दे दिया, दोनों फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दे दिया. पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, सेल्स टू ऑन अ प्रॉफिट ऑफ दिस मंथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 17-18 का. सेम सम आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, सेम टू सेम सम, राइट? आइए, तो सबसे पहला पार्ट है पीवी रेशियो. मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इन 200, रिमेंबर? तो 15,000 माइनस माइनस 15,000 होल डिवाइडेड बाय 5,00,000 माइनस 4,00,000 होल इन 200, सो दैट कम्स टू 30,000 by 1,00,000. आ गया. दो साल का जब डाटा देगा तो इस तरीके से हम लोग पीवी रेशियो निकालते हैं, 30%. अरे भाई, कुछ समय का जरूरत से ज़्यादा इजी है तो ज़रूरी है उसमें अपना दिमाग लगा के अपने आप को बॉदर करना कि यो मेरे से 5 मिनट में क्यों हो गए हो. भैया, जो मेरे से 5 मिनट में हो जावेगो तो मैं उसमें टाइम ज़्यादा क्यों लगाऊँ, राइट? नंबर टू, अभी अपने कोई भी एक साल का डाटा यूज करके फिक्स कॉस्ट निकालते तो यहाँ पर भी उसी का मार्क्स दिए दिया, तो हम लोग ले लेते हैं 17-18, ठीक है? तो 17-18 में कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स इनटू पीवी, कितना है? 25 कैसे निकल गया? ओ, ठीक है. तो 5,00,000 का 30% कितना हुआ है? 1,50,000. इसमें से मैं इस साल का प्रॉफिट को लेस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 1,35,000. खेल खत्म हो गया बेटा. उसके बाद हमें पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज फिक्स कॉस्ट बाय पीवी, 1,35,000 बाय 30%, 4,50,000. मैंने तो टाइम नहीं लगाना भाई, आपने अगर लगाना है तो आप लगाओ. उसके बाद पूछा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45,000, तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? एफसी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. तो 1,35,000 हमारा फिक्स कॉस्ट है, 45,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है. कितना आ रहा है?
बोलिए हाउ मच? 1,80,000. Therefore, sales equals to contribution by PV ratio. That is 180/30%. पार्ट फाइव एमओएस 17-18 का पूछा है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स है 5,00,000 माइनस ब्रेक इवन सेल है 4,50,000, मिला के हो गया हमारा 50,000. एग्जाम्स में कुछ कुछ सम्स ऐसे आएंगे जो आप लोगों का देखा हुआ होगा या किया हुआ होगा, ये उसमें से है मेरे ख्याल से. ठीक है, आ जाइए. अब हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D. वाओ, रिकंसिलिएशन का समय. हमने आपको बताया था हमेशा इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ, तो हमें एक ठो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स. टू फोर्टी एट थ्री हंड्रेड इसको नेगेटिव दिखा देंगे. प्रॉब्लम क्या है? और रिकंसिलिएशन कर करा के हम लोगों को प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स. टू फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड
ठीक है। नाउ हमने आपको बताया है वर्क्स ओवर एड ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे ज़्यादा हमारा वॉल्यूम हो गया, तो देयर फॉर ओवर इट की ओवर रिकवरी हुई है। यस और नो? हाँ, तो ओवर रिकवरी मतलब प्रॉफिट ना, ऐड कर देंगे। वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, राइट, 30,400। सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवरी, राइट, लॉस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी मतलब लॉस। ओके, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड, ठीक है ना। कुछ कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो प्योरली फाइनेंशियल आइटम होते हैं, तो एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट से लेस होगा ना वो, जैसे बैड डेप्ट, रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स, राइट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो इनकम जो कॉस्ट में नहीं है बट फाइनेंशियल में, तो उसमें प्लस होगा ना, इनकम ऐड होता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया था, ओवर रिकवरी मतलब प्रॉफिट, अंडर रिकवरी मतलब लॉस ले, इसलिए मैं आपको हमेशा कॉस्ट से स्टार्ट करने बोलता हूँ। ओवर रिकवरी प्लस, अंडर रिकवरी लेस। कुछ कुछ इनकम ऐसे हैं जो कॉस्ट में कंसिडर नहीं है, तो कंसिडर कर लो। कुछ कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो कॉस्ट में कंसिडर नहीं है, तो कंसिडर करने से प्रॉफिट लेस होगा ना, तो दिस इज द पोजिशन। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेट करिए, आ गया ना। सो
ये चारों क्वेश्चन हमारा हो गया 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का चार क्वेश्चन 20 मिनट, बट चलते हैं नहीं पर ऐसे ही देखते हैं, हम लोगों का भी टाइमर दिखा रहा है 36 मिनट्स, ठीक है, हम लोग समझ समझ के थोड़ा रिकैप करके कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो आप ऑलरेडी रिकैप्चुलेटेड रहेगा, फटाफट उतार देंगे, कॉपी करने का भी मैं टाइम दे रहा, एग्जाम में तो आप किसी को कॉपी करने का टाइम नहीं देंगे ना, कि आपने कर लिया, आप अपने अपने फ्रेंड को दिखाएंगे कि बोलो भैया कॉपी कर लो मैं आगे बढ़ूंगा, तो इस टाइप से हमारा टाइम यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।